PIL मैंने इसलिए फाइल की क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है हिमाचल की, दैट इज़ हिमाचली पहाड़ी, उसका कॉन्टीन्यूसली डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी नेगलेक्ट किया जा रहा है, उसको हर बार साइडलाइन किया जा रहा है। पिछले 50 साल से ही होता आ रहा है कि हिमाचली पहाड़ी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचली पहाड़ी को इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में बोली जाती है। मेजॉरिटी स्पीकर जो हैं वो हिमाचली पहाड़ी में ही एक दूसरे से बात करते हैं। नारायण चंद पराशर जी, उन्होंने भी एक मुहिम छेड़ी थी, उन्होंने कॉन्टीन्यूसली वर्क किया, अपनी पूरी लाइफ लगा दी हिमाचली पहाड़ी को डेवलप करने के लिए। करेंटली इस पे प्रोफेसर सरीना हुसैन एंड रिसर्चर विशाल शर्मा, जो कि कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है, वो भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। गवर्नमेंट के थ्रू कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, रेजोल्यूशन तो बहुत पास हुए कि हिमाचली पहाड़ी को किया जाएगा प्रमोट, बट जो भी डायलेक्ट्स हैं हिमाचल पहाड़ी के, इसको एक अलग कैटेगरी में गिना जाए, क्योंकि अभी ये हिंदी के अंदर इंक्लूड होता है, जो कि इनकरेक्ट है, जो कि गलत है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी को प्रमोट करने की बात करती है, तो उसके तहत हमारे प्राइमरी और मिडिल लेवल स्कूल्स के बच्चों को इंग्लिश में भी पढ़ाया जाए, हिंदी में भी पढ़ाया जाए, और हिमाचली पहाड़ी डायलेक्ट चेन के जो डायलेक्ट्स हैं, कांगड़ी, कुलवी, बिलासपुरी एट्सेट्रा, उसमें भी पढ़ाया जाए। इम्प्लीमेंटेशन जैसी होनी चाहिए थी, जैसा इस पॉलिसी में बताया गया है, वैसी नहीं हो रही है। हिमाचल के लोगों को मेरा यही मैसेज रहेगा कि हमारी जो लैंग्वेज है हिमाचली पहाड़ी, वो एक बहुत रिच लैंग्वेज है, एक लेगेसी चलती आ रही है, हम उस लेगेसी को प्रिजर्व करें। हिमाचल प्रदेश न केवल अपने सौंदर्य के कारण पर्यटन के लिए मशहूर है, साथ ही साथ ही अपनी समृद्ध पहाड़ी संस्कृति के कारण भी पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ बोले जाने वाली पहाड़ी हिमाचली भाषा भी इसी संस्कृति का ही हिस्सा है। दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार हिमाचल में 40 लाख से अधिक लोग अभी भी पहाड़ी हिमाचली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और तो और पहाड़ी हिमाचली की अपनी एक लिपि भी है जिसका नाम टांकरी है। लेकिन आज इस भाषा और टांकरी लिपि का भविष्य खतरे में लगता है, क्योंकि इन संरक्षण के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा। लेकिन एक समय था जब हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर नारायण चंद पराशर जैसी हस्तियों ने पहाड़ी हिमाचली में आने वाली बोलियों को एक माला में पिरोकर पहाड़ी हिमाचली को संविधान के 8वें अनुसूची में भाषा का दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया। यहां तक कि प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल भी पहाड़ी हिमाचली को भाषा का दर्जा देने के पक्ष में थे, पर फिलहाल कोई भी राजनेता या सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। पर हाल ही में हिमाचल के युवा ने फिर से इस मांग को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अर्श धनोटिया, जिन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और मांग रखी थी कि पहाड़ी हिमाचली को हिमाचल की आधिकारिक भाषा घोषित किया जाए, याचिकाकर्ता के वकील भवानी प्रताप कुठलेरिया ने कई अहम तथ्य कोर्ट के सामने रखे। उन्होंने कोर्ट को इस बात से अवगत करवाया कि 2011 के जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में संस्कृत भाषा बोलने वाले सिर्फ 936 लोग हैं, जबकि पहाड़ी हिमाचली में आने वाली बोलियों को 40 लाख से अधिक लोग बोलते हैं, पर फिर भी 2019 में पहाड़ी को राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा ना देकर संस्कृत को दे दिया गया। याचिका में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पहाड़ी हिमाचली और अन्य स्थानीय भाषाओं को पाठशालाओं में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की दरख्वास्त रखी गई। इसके साथ साथ 2021 के जनगणना में पहाड़ी हिमाचली को अलग श्रेणी में रखने और साथ ही साथ लोगों, खास करके युवा वर्ग को जागरूकता शिविरों के द्वारा पहाड़ी को प्रोत्साहन देने की मांग भी रखी गई। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की बात करने से पहले सबके लिए समझना जरूरी है कि आखिर एक संयुक्त पहाड़ी हिमाचली भाषा की परिभाषा क्या है, क्योंकि ये कई बोलियों का मिश्रण है। अर्श धनोटिया की याचिका के अनुसार हिमाचली पहाड़ी प्रदेश में बोले जाने वाली पश्चिमी पहाड़ी बोली की कड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाला संयुक्त पारिभाषिक शब्द है। इसमें खासकर कांगड़ी, मंडियाली, चंबियाली, कुल्लवी, बिलासपुरी, महासुवी पहाड़ी, हिंदुरी और सिरमौरी बोलियां आती हैं।
उनके अनुसार हिमाचल प्रदेश के गठन के समय से ही पहाड़ी हिमाचली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग होती रही है। इसे आधिकारिक तौर पर 37 ऐसी अन्य भाषाओं के साथ सूचीबद्ध किया गया जिन्हें अनुसूचित श्रेणी में रखने की पहले से ही मांग है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 1970 और 2010 में इस संदर्भ में प्रस्ताव भी पारित किए जा चुके हैं। ये पिटीशन ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ पिटीशनर मिस्टर अर्श धनोटिया फाइल करी थी 24th of September। इस पिटीशन में जो पहला मुद्दा था कि हिमाचली पहाड़ी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए। अभी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी और एक रिसेंटली संस्कृत। हिमाचली पहाड़ी को इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, इसलिए। सेकंड, इसमें हमारी जो सेकंड मुद्दा था वो है दैट इज़ रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यूनियन गवर्नमेंट ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इनेक्ट किया और इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर्स भी दे दिए स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस में जब ये डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर्स पास किए, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इम्प्लीमेंटेशन जैसी होनी चाहिए थी, जैसा इस पॉलिसी में बताया गया है, वैसी नहीं हो रही है। तो इस मुद्दे को भी ख़ास तौर से हमने उठाया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बोलती है कि प्राइमरी और मिडिल लेवल स्कूल्स में बच्चों को लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी को प्रमोट करने की बात करती है। तो उसके तहत हमारे प्राइमरी और मिडिल लेवल स्कूल्स के बच्चों को इंग्लिश में भी पढ़ाया जाए, हिंदी में भी पढ़ाया जाए, और हिमाचली पहाड़ी के जो हिमाचली पहाड़ी डायलेक्ट चेन के जो डायलेक्ट्स हैं कांगड़ी, कुलवी, बिलासपुरी एट्सेट्रा, उसमें भी पढ़ाया जाए। और जैसे लाहौल स्पीति की अलग एक बोली है, भाषा है लाहौली, वहाँ उनको उसमें पढ़ाया जाए, किन्नौर में किन्नौरी में पढ़ाया जाए, और ऊना में जैसे ऊना में मेजॉरिटी पंजाबी है तो वहाँ उसमें भी अगर उन्हें ठीक लगे उसमें भी पढ़ाया जाए। इस पिटीशन में हमारा जो तीसरा मुद्दा था वो था दैट इज़ रिगार्डिंग द सेंसस। सेंसस 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया कोविड पैंडमिक की वजह से। तो इस सेंसस में हमारा ये प्रेयर थी ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से कि हिमाचली पहाड़ी डायलेक्ट चेन को, जो भी डायलेक्ट्स हैं हिमाचल पहाड़ी के, इसको एक अलग कैटेगरी में गिना जाए क्योंकि अभी ये हिंदी के अंदर इंक्लूड होता है, जो कि इनकरेक्ट है, जो कि गलत है। इसमें हमारा एक और जो रिक्वेस्ट थी ऑनरेबल हाईकोर्ट से कि हिमाचली पहाड़ी को नॉन शेड्यूल्ड कैटेगरी में डाला जाए। अभी जैसे हिंदी के अंदर है तो वो तो गलत है, तो फिर नॉन शेड्यूल के अंदर डाला जा सकता है एक सेपरेट कैटेगरी में। हिमाचली पहाड़ी को हिंदी कैटेगरी में इसलिए नहीं डालना चाहिए क्योंकि इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी नहीं है। और इस पिटीशन में पिटिशनर द्वारा हमने ये प्ली भी रखी थी कि इन दोनों को इकट्ठा नहीं डालना चाहिए। मेरा नाम अर्श धनोटिया है, मैं ज्वालाजी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का रहने वाला हूँ। मैं करंटली दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये PIL मैंने इसलिए फ़ाइल की क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है हिमाचल की, दैट इज़ हिमाचली पहाड़ी, उसका कॉन्टीन्यूसली डिग्रेडेशन हो रहा है, इन द सेंस कि उसकी नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको हर बार साइडलाइन किया जा रहा है, पिछले 50 साल से ही होता आ रहा है। तो इसमें हमारा 2019 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट उसको अमेंड किया, तो आई वाज वेरी होपफुल कि हिमाचली पहाड़ी को रिकग्निशन मिलेगी। बट इंस्टेंट ऑफ मेकिंग हिमाचली पहाड़ी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने संस्कृत को प्रेफरेंस दी कि जब संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो जो एज फार एज 2011 सेंसस इज कंसर्न्ड, संस्कृत के सिर्फ 936 स्पीकर्स हैं, वेयर एज हमारी जो हिमाचली पहाड़ी के डायलेक्ट्स बोलने वाले स्पीकर्स हैं वो मोर देन 40 लैक्स हैं। तो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि एक लैंग्वेज जिसके सिर्फ 1000 से नीचे स्पीकर्स हैं, उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ऑल दो आई एम नॉट अगेंस्ट संस्कृत, बट स्टिल जो हमारी मदर टंग है, अगर आप उसे प्रमोट नहीं करोगे, अब हमारी जो ये चीज़ जो हमारी हिमाचली पहाड़ी है इसकी कॉन्टीन्यूसली
इसको नेगलेक्ट किया गया है पिछले 50 ईयर्स से। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमारे जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, सॉरी आई एम रिपीटिंग, हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर YS वर्मा, उन्होंने एक स्पेसिफिक किताब लिखी है इस पर और उन्होंने इलेबोरेट किया इसमें कि हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था हिमाचली पहाड़ी का। उसमें उन्होंने इन डिटेल डेप्थ में दिया। अपार्ट फ्रॉम हिम, एक और बहुत नोन हस्ती हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, नारायण चंद पराशर जी, उन्होंने भी एक मुहिम छेड़ी थी। उन्होंने कॉन्टिन्यूसली वर्क किया, अपनी पूरी लाइफ लगा दी हिमाचली पहाड़ी को डेवलप करने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग हैज़ बीन डन। उन्होंने 8 शेड्यूल में रिकग्नाइज कराने के लिए हिमाचली पहाड़ी को, उन्होंने प्रमोट करने के लिए, उन्होंने उसके लिए भी बहुत वर्क किया, बट टिल डेट हमारी जो हिमाचली पहाड़ी है, इट इज़ देयर टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, टू बी रिकग्नाइज्ड इन द 8 शेड्यूल, बट टिल डेट नथिंग हैज़ हैपेंड। एम्फेसिस, तो एज फार एज एम्फेसिस इज कंसर्न्ड, इस पे गवर्नमेंट के थ्रू कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। रेजोल्यूशंस तो बहुत पास हुए कि हिमाचली पहाड़ी को किया जाएगा प्रमोट, बट एज सच कोई गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी स्टेप्स नहीं ले गए आज तक कि हिमाचली पहाड़ी को हम प्रमोट किया जाए। हिमाचली पहाड़ी बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो है एक मल्टीकल्चरल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करता है, बट अगर हम देखा जाए हिमाचल में हमारी गवर्नमेंट्स जिनको इंटरेस्ट किया गया कि सिटीजन्स के कल्चर को प्रमोट किया जाए, उसमें शायद मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमारी गवर्नमेंट्स इतनी कैपेबल नहीं थी, बट पहाड़ी, हिमाचली पहाड़ी के रिलेशन में शायद वो पीछे रह गए हैं। अगर वो चाहते तो इस पर काम कर सकते थे। ये काइंड ऑफ एक सेटबैक है हमारे हिमाचलियों के लिए और हमारे जो कल्चर है उसके लिए। हमारी लैंग्वेज ही एक्चुअली हमारी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करता है। हम ये नहीं चाहते कि हमें भी कंसिडर किया जाए कि हम हिंदी में, हमारी लैंग्वेज हिंदी है। ऑल दो हिंदी, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज आए, रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, बट रिस्पेक्ट अगर उन लैंग्वेजेस का मैं कर रहा हूँ तो हिमाचली पहाड़ी लैंग्वेज का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए जो कि हमारी मदर टंग है। अगर हम उसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हाउ आर वी जस्टिफाइंग आर ओन कल्चर। इस PIL को फाइल करने की प्रेरणा मुझे हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS परमार जी से मिली, उसके बाद डॉक्टर नारायण चंद पराशर जी, जिन्होंने भी इसमें पूरी लाइफ लगा दी, उन्होंने भी इस पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की और इस पर डेवलप करने के लिए बहुत काम किया। अपार्ट फ्रॉम इट, करेंटली इस पर प्रोफेसर सरीना हुसैन एंड रिसर्चर विशाल शर्मा, जो कि कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है, वो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है जिसके थ्रू मेरे को और अवेयरनेस हुई। तो हिमाचल के लोगों को मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप देखिए, आप अगर इमोशनली किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी नॉर्मल मदर टंग में ही इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने जज्बातों को अगर एक्सप्लेन करें तो हम अपनी जो लैंग्वेज है उसमें एक्सप्लेन कर पाते हैं आसानी से। और अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी स्पीकर जो हैं वो हिमाचली पहाड़ी में ही एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी जो डायलेक्ट्स हैं वो उसी में बात करते हैं और उसमें उनको अपना एक अपनापन लगता है। तो हिमाचल की जनता से ये मेरा अनुरोध होगा कि आप इस चीज़ के ऊपर संज्ञान भी ना लें, मतलब आप इस चीज़ पे अवेयर करें लोगों को कि हमारी जो लैंग्वेज है हिमाचली पहाड़ी, वो एक बहुत रिच लैंग्वेज है। वो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि हाँ हम बोलते हैं, हमारी ये एक धरोहर कहते हैं जिसको, एक लेगेसी चलती आ रही है, हम उस लेगेसी को प्रिजर्व करें। आइए बात करते हैं प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय की। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सबीना की पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा, कोर्ट राज्य सरकार को तब तक कोई निर्देश नहीं दे सकते जब तक ये साबित न हो कि पहाड़ी हिमाचली की अपनी एक संयुक्त लिपि है और पूरे राज्य में एक ही पहाड़ी प्रचलित है। हालांकि याचिकाकर्ता को एक सामान्य पहाड़ी हिमाचली भाषा के ढांचे और सम्मान टांकरी लिपि को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक शोध करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से संपर्क करने की स्वतंत्रता है, और यदि याचिकाकर्ता प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव के पास जाता है तो यह कथित विभाग के ऊपर है कि वह उसका निवारण कानून के हिसाब से करे।
अब ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में है कि वो इस बहुत ही संवेदनशील विषय पर क्या निर्णय लेती है। आप भी अपने कमेंट्स के थ्रू अपने विचार इस बारे में जरूर दें, क्योंकि ये मामला राज्य की बहुमूल्य संस्कृति से संबंधित है। सरकार से जरूर कहे कि कम से कम इस विषय को लेकर एक शोध तो जरूर करवाया जाए।